हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली फंडा सॉल्यूशन पर। फ्रेंड, मैं हूं नीलम और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। बहुत सारे फ्रेंड ने मुझसे पूछा था एक कपड़े पर लगा हुआ दूसरे कपड़े का दाग कैसे छुड़ाएं, तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं। जी भी एक कपड़े पर अगर दूसरे कपड़े का दाग लग जाता तो आपको किस तरह से छुड़ाना है, और फ्रेंड मैं आपको दिखाऊँगी बहुत ही अच्छे से दाग रिमूव भी हो जाता है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाऊँ। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड इस दाग को छुड़ाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक ट्रे, और उस ट्रे में मैं ये लेगिंग के जो दोनों पैरों के हिस्से हैं उसे मैं डाल रही हूँ। दोनों पैरों के जो हिस्से हैं वहाँ पर दाग लगा हुआ है, कई जगह पर दाग लगा हुआ है फ्रेंड, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दो खास जगहों का जो दाग है उसे मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड मैंने इसको ट्रे में रख दिया है और इसे साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कच्चा दूध। कच्चे दूध में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे चेहरे के दाग धब्बों को भी लाइटन करती हैं, उसी तरह से कपड़े के दाग धब्बों को भी छुड़ाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर कच्चा दूध ले लिया है और कच्चे दूध को मैं इन दागों पर डालकर पूरे दागों को अच्छे से गीला कर दूंगी। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर आधा कटोरी कच्चा दूध लिया है, बहुत ज़्यादा हमें दूध की ज़रूरत नहीं है, आधा कटोरी लिया है। तो मैं इन्हें दागों पर डालकर सभी दागों को अच्छे से मैं इसको गीला कर दूंगी, और इसको गीला करके फ्रेंड मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इसे सिर्फ दूध में गीला करना है फ्रेंड, कपड़ा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर मेरी लेगिंग जो है बिल्कुल ड्राई है और इसको मैं दूध की हेल्प से गीला कर रही हूँ, और फ्रेंड इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला है, कोई भी अदर चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं डाली है। मैं सिर्फ सारे दागों को कच्चे दूध से अच्छे से भिगो रही हूँ। इसे भिगोकर मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। अगर अगर बीच में दूध सूख जाता है तो आप इसको फिर से दूध डालकर गीला कर दें और उसके बाद आप 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। फिर से दूध डालकर दागों को गीला कर रही हूँ और 10 मिनट के बाद फ्रेंड आप देखिए इस तरह से फ्रेंड आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद दाग काफ़ी हल्के हो गए हैं, अपने आप ही हल्के हो गए। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, जैसे मैंने रखा था वैसा ही ये कपड़ा अभी भी है, और आप देख सकते हैं दाग काफ़ी लाइटन हो गया है। और अब मैं इसको छुड़ाना शुरू करती हूँ फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पर फिर से दूध डाल दिया है और दोनों हाथों की हेल्प से मैं इन दागों को रगड़ूंगी। दोनों हाथों की हेल्प से इसको रगड़ना है, और फ्रेंड कपड़े अगर हल्के हैं, नाजुक कपड़े हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें ना रगड़ें वरना कपड़े ख़राब हो जाएंगे। फ्रेंड ये लेगिंग है और ये होजरी का है, इसलिए इसको मैं दोनों हाथों से ज़ोर ज़ोर से रगड़ रही हूँ। और आप चाहें तो यहाँ पर कपड़े वाले ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ों को ज़्यादा ना रगड़ें वरना वहाँ पर रोई निकल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दूध डालती जा रही हूँ फ्रेंड, और इनको दोनों हाथों की हेल्प से मैं रगड़ती जा रही हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड आप किसी भी कपड़े पर लगा हुआ दूसरे कपड़े का दाग छुड़ा सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड। दूध को डालकर कपड़े को दोनों हाथों की हेल्प से रगड़ते जा रही हूँ फ्रेंड। दाग यूं ही फटाफट से नहीं छूटेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। यूं ही एक मिनट में या दो मिनट में दाग नहीं छूटता फ्रेंड, एक कपड़े पर लगा हुआ दूसरे कपड़े का दाग छुड़ाने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप देख सकते हो पहले की अपेक्षा दाग काफ़ी लाइटन हो गया है। और यहाँ पर अभी तक मैंने सिर्फ दूध का इस्तेमाल किया है फ्रेंड, आप देख सकते हो दाग काफ़ी लाइटन हो गया है। और अब मैं यहाँ पर फिर से दूध डालकर इसको गीला कर रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर साबुन का इस्तेमाल करूँगी। और फ्रेंड अब मैंने यहाँ पर एक ब्रश लिया है, ब्रश पर मैंने कपड़े वाला साबुन लगा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर डिटर्जेंट का भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से फ्रेंड मैंने सभी दागों पर अच्छे से साबुन लगा दिया है, और अब मैं यहाँ पर दूध डाल के ब्रश की हेल्प से इन दागों को मैं रगड़ती जाऊँगी, जिससे दाग धीरे धीरे लाइटन होते चले जाएँगे। बीच बीच में फ्रेंड दूध डालते रहें, पानी का यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करना है। अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉयल्ड मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध जो होता है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से ब्रश की हेल्प से मैं सारे दागों को अच्छे से रगड़ती जाऊँगी। आपको हाथों से या ब्रश से जैसे भी आपको ईजी लगे वैसे आप कर सकते हो। तो फ्रेंड आप देख सकते हो दाग काफ़ी लाइटन हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है आधा नींबू, और फ्रेंड अब इन दागों पर मैं नींबू को रगड़ूंगी, जिससे दाग और भी ज़्यादा लाइटन हो जाएंगे। और फ्रेंड अभी तक मैंने यहाँ पर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, और फ्रेंड आप देख सकते हो दाग कितना लाइटन हो गया है, और साबुन की वजह से ये थोड़ा ब्लू दिख रहा है क्योंकि ये वाइट लेगिंग है और न्यू लेगिंग है, मैंने इसको 2 से 3 बार से ज़्यादा अभी तक नहीं, ये वाइट कपड़ा है फ्रेंड, इसलिए दाग को छुड़ाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो दाग काफ़ी लाइटन हो गए हैं, और अब मैं इसको पानी में अच्छे से खंगाल के आपको दिखाती हूँ कि पहले और बाद में कितना ज़्यादा फ़र्क हुआ है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो दाग बहुत ज़्यादा
हल्का हो गया है। और आप दोनों पैर के हिस्सों को अच्छे से देख लीजिए ताकि आप ट्रस्ट कर सकें कि ये टिप्स काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा फ्रेंड, कपड़े के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर कपड़े के जो हल्के से धब्बे रह गए उसे छुड़ाने के लिए थोड़ा सूखा डिटर्जेंट ले लिया है और यहाँ पर मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ और फिर इसको दोनों हाथों की हेल्प से मैं इस तरह से रगड़ती जाऊँगी जिससे इसका जो हल्के फुल्के धब्बे रह गए हैं वह भी लाइटन हो जाएंगे। तो दोनों हाथों की हेल्प से मैं इसको रगड़ दूँगी। तो फ्रेंड, ये देखिए दाग चले गए हैं, बहुत ही हल्के से धब्बे रह गए हैं और ये धूप में सुखाने के बाद बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। अगर हल्के से धब्बे रह जाते हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, जो हल्के धब्बे हैं वे धूप में डालने के बाद अपने आप ही चले जाते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो लेगिंग हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई है, बहुत हल्के फुल्के धब्बे हैं और धूप में डालने के बाद अपने आप ही सारे दाग धब्बे साफ़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की यूजफुल वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करके बेल बटन को भी प्रेस कर दें और ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप उस वीडियो को देख पाएं। अगर आपको फ्रेंड मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड, आप देख सकते हो हमने लेगिंग को धुलकर टांग दिया है और कहीं भी दाग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से आप किसी भी एक कपड़े पर लगा हुआ दूसरे कपड़े का दाग आप छुड़ा सकते हैं। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।